हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज के वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्लांट डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आपके लिए मैं पता ही है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप की लैंग्वेज के लेक्चर लेके आता हूँ। तो मेरे वीडियो कंटेंट कैसे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर आपने पहले ही कर दिया होगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैंने अलग अलग बुक से इतने ट्रांसलेट करके आपके लिए लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका लाइक मारने का हक तो बिल्कुल है। तो ठोको लाइक और अपन पढ़ेंगे फ्लोर ऑर्गन ऑफ डेवलपमेंट। फ्लोर, अभी ये जानते हैं कि फ्लोर में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये अपन समझते हैं, एंथर, इसको बोलेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये होती है आपके गाइनोसियम यानी कि स्टिग्मा, तो इसको बोल देंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां तक आ गया। अब कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मैंने चार बोल यानी कि अपन बोलते हैं चार चक्कर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हैं, सेपल, पेटल, एंडोसियम, गाइनोसियम। ये सीक्वेंस वाइज याद रखना, ये क्या आउटर टू इनर टाइप से प्रेजेंट होते हैं, सेपल, पेटल, एंडोसियम, गाइनोसियम। एंडोसियम की यूनिट मतलब स्टेमेन एंड एंथर, और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये पार्ट हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अब ये होता है आपका स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये स्टिग्मा हो गया, इसको अपन स्टाइल बोलेंगे, ये ओवेरी का पार्ट हो गया। ये थैलेमस होता है, ये सेपल एंथर, ठीक है, एंथर हो गया, इसमें भी ये फिलामेंट है ना, यहाँ पर आपकी होती है कनेक्टिव यानी कि यूजी। तो ये सब चीजें ना आपको पहले से फट कर आ रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने बता दी है। फ्लोवर के इन चार रूल में स्थित ऑर्गन का डेवलपमेंट होम्योटिक जीन पर निर्भर करता है। तो अब मैं बताऊं, पूछूं आपसे कि होम्योटिक जीन क्या होती है, तो आप बोलोगे कि हमें तो होम्योटिक जीन का पता है, होम्योटिक जीन होती क्या है ये नहीं पता, तो आपका भाई है ना। तो मैं बताऊंगा होम्योटिक जीन क्या होती है। होम्योटिक जीन्स होती है कि कोई भी प्लांट, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ये जो डेवलपमेंट होता है, जो इसकी इयरली डेवलपमेंट स्टेज होती है, जैसे कि अपन ह्यूमंस में बोले ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस टाइम जैसे उन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करता है, जो जीन करती है, उन जीनों को अपन बोलेंगे होम्योटिक जीन। आगे दोस्तों, तो ठोको लाइक और अपन अब पढ़ेंगे प्लांट में कौन कौन सी होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होती है। जीन इन्वॉल्व इन फ्लोवर डेवलपमेंट, फ्लोवर डेवलपमेंट में कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है, टू टाइप की जीन्स होती है, कौन सी होती है, पहली तो होती है आपकी मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जो कि क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे फ्लोवर के जो मेरिस्टेम पार्ट होता है। मेरिस्टेम कौन सा होता है, जो एपिकल पार्ट होता है ना, तो उसको एक्टिव कर देगी। अब एंथीराइनम, आर्बिडोप्सिस, इनमें कौन कौन सी आपके फ्लोवर मेरिस्टेमिक जीन्स प्रेजेंट होती है। एंथीराइनम में होता है फ्लोरिक्यूला, फ्लोरिक्यूला आपको क्या, ये नाम ही याद रखना है ना। इनका फंक्शन क्या होता है वो पूछेगा नहीं, जब आप नेट जीआरएफ की सीएसआईआर नेट की तैयारी करोगे ना, तो उसमें आपके ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लांट डेवलपमेंट का, और ज्यादा ही आपको नेट सीएसआईआर नेट यूजीसी नेट इनके बारे में जानना है, तो मैंने पहले वीडियो बना दिया है, तो वहां से आप जान सकते हो, सिलेबस पैटर्न सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया है। तो आर्बिडोप्सिस में होता है पेटेला 1, एगेमस लाइफ 20 और लेफिजिन और क्यूलीफ्लोवर, इनको शॉर्ट में दर्शाते हैं एपी 1, एजीएल 20 और ली और क्या, ठीक है। अब सूट एपिकल मेरिस्टेम है आपका, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम में यदि अपन फ्लोवर मेरिस्टेम जीन्स फंक्शन करती है, तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है फ्लोवर का जो मेरिस्टेम पार्ट होता है ना वो। अब आती है सेकंड आपकी फ्लोवर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लोवर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन क्या करती है कि जो फ्लोवर्स के ऑर्गन है कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पल है ना, तो इनको डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है, इनके फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है। आर्बिडोप्सिस प्लांट में एबीसी क्लास की होम्योटिक जीन्स का स्टडी किया जाता है, कि दोस्तों अपन के क्या सिलेबस में है आपके एबीसी मॉडल, आर्बिडोप्सिस ही है, तो अपन उसको ही बेस बनाकर इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो अपन पढ़ेंगे एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल क्या होता है, तो एबीसी मॉडल में क्या होती है कि थ्री क्लास, तीन जीन होती है जो तीन क्लास में डिवाइड होती है। सेपल, सेपल में क्या होता है कि ए होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होती है, वो क्लास कौन सी होती है, पहले तो ये देखो,
क्लास होती है ए, बी और सी। इन तीन क्लासों में जीन डिवाइड होती है। तो आप पूछो कि दोस्तों सर आप तो नोट्सों को बिगाड़ रहे हैं, तो अपने नोट्सों को तो बिगाड़ना है और खुद को सुधारना है ना। तो आप जितने नोट्सों को बिगाड़ते जाओगे आप खुद उतना ही सुधरते चले जाओगे और उतने ही अच्छे अच्छे चीजें सीखते जाएंगे। अरे यार अपन को इनको रख कर करने क्या है, सजाना थोड़ी ना, अपन को तो पढ़ना है। तो सेपल, सेपल क्या है? ए होम्योटिक जीन्स है। पेटल्स का फॉर्मेशन कौन से होता है? ए प्लस बी होम्योटिक जीन से। स्टेमेन का होगा बी प्लस सी से और कार्पल का होगा सी से। अब आर्बिडोप्सिस में कैसे होता है? जो क्लास ए जीन्स होती है उनमें क्या होता है? एपेटेला एंड एपेटेला टू। और क्लास बी में होगा एपेटेला थ्री एंड पिस्टिलेटा जीन। और क्लास सी में होगा एगेमस। आ गया? तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। जैसे कि आपका ये एक फ्लोर है, फ्लोर में सबसे बाहर आउटर में क्या प्रेजेंट होगा? सेपल, है ना। सेपल को रेगुलेट कौन करेंगी? क्लास ए जीन। और पेटल, पेटल को कौन करेगा? क्लास ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। और स्टेमेन को करेंगे क्लास बी और सी दोनों मिलकर, और क्लास सी को कार्पल। ठीक है, ये फॉर्मेशन करती। ये सभी जीन्स फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होते हैं जो कि मेड बॉक्स जीन्स कैटेगरी के होते हैं। अब मेड बॉक्स जीन्स किन को बोलेंगे? मेड बॉक्स जीन्स क्या होती है? एक प्रकार की यूकेरियोटिक जीन्स होती है जो क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना उनको एनकोड करती है। दोबारा सुनना, मेड बॉक्स जीन्स क्या होती है? मेड बॉक्स जीन्स होती है कि ये एक तरह से यूकेरियोटिक जीन्स होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एनकोड करती है। आ गया? अब एंथेराइना में कौन सी जीन्स प्रेजेंट होती है? डिफरेंशियस जीन्स फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होती है। और फ्लोर की शुरुआत के लिए कुछ प्लांट में, अब अनदर फैक्टर कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लाइट भी होती है, एयर, और शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये क्या होता है ये देख समझते हैं। हार्मोन, है ना। तो फोटोपीरियडिज्म क्या बोलेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, इनको लाइट के आधार पर डिवाइड किया गया है कि भाई एक प्लांट के लिए कितनी हावर तक रिक्वायरमेंट होती है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए मैं बता दूं कि इनको 13 से 14 घंटे से कम की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉन्ग डे प्लांट में होता है 13-14 हावर से हाई। ठीक है, अब वर्नीलाइजेशन, वर्नीलाइजेशन क्या होती है? जो लो टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट भी कुछ प्लांट के फ्लोरिंग की शुरुआत के लिए जरूरी होता है। वही कुछ जो फ्लोवर होते हैं उनको लो टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट किया जाता है। एक आता है आपका क्रायोप्रिजर्वेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। एक भाई क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है इसका आप कमेंट करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और फ्लोरिंग हार्मोन, फ्लोरिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। आप सुनते जाइए, मैं लिखूं क्या? चलो मैं बोल देता हूं, आप सुन लीजिए। फ्लोर हार्मोन होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव हार्मोन तो क्या होते हैं? जो प्लांट की पॉजिटिव यानी कि ग्रोथ में सहायक होते हैं, वो कौन से होते हैं? ओजीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये सब तो होते हैं पॉजिटिव जो कि प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं। और नेगेटिव हार्मोन, नेगेटिव कौन से होते हैं आपके? हीथाइलिन और एबीए एब्सिसिक एसिड। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। यहां से नहीं तो सीएसआई नेट में तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। मैंने बताया था ये मेड बॉक्स जीन्स होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एमएससी के लिए, ये सीएसआई नेट में होता है। यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एमएससी में, एक नंबर का क्वेश्चन आए तो, क्योंकि अपन किसी क्लास एक क्लास की जीन्स को अपन म्यूटेंट कर देंगे तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो कौन सा होगा। अब देखते हैं, मैंने बताया था कि जो सेपल को कौन रेगुलेट करेगी? एक क्लास जीन। और पेटल को ए प्लस बी यानी कि ए और बी क्लास की जीन। और स्टेमेन को करेगी बी और सी क्लास दोनों की जीन। और कार्पल को करेगी सी क्लास की जीन। अब ए और सी ये दोनों क्लास क्या होती है? एंटागोनिस्ट होती है। एंटागोनिस्ट का मतलब कि जो यदि ए को म्यूटेंट कर दिया जाएगा ना तो सी का फॉर्मेशन होगा। याद रखना दोबारा कि भाई अपन ए को म्यूटेंट कर देंगे तो सी का फॉर्मेशन होगा, और सी का म्यूटेंट कर देंगे तो ए का फॉर्मेशन होगा। और ये होता है एसोसिएट। तो इसका मतलब ये होता है यदि सी म्यूटेंट है तो उस जगह बी
डोमिनेंट हो जाएगी और बी का फॉर्मेशन होगा। कि दोस्तों अब साइडों में इतनी आवाजें आ रही है जोर शोर से, तो ये जो दुनियादारी का शोर है अपन इसको इग्नोर करना है और अपने सही रास्ते पे चलना है। अपन को तो फटना है ये शोर जोर क्या करेगा, ठीक है। ये आता है म्यूटेंट केस। ये टेबल थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल होता है। जैसे ये नॉर्मल कौन सी जीन को किसको रेगुलेट करती है, यहाँ आ गया। अब देखते हैं कि ए क्लास म्यूटेंट, यदि अपन ए क्लास की जीन को म्यूटेंट कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा। अब आता है ये कार्पल, है ना। तो अब ये कार्पल, कार्पल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है भाई, यहाँ तो क्या बनना चाहिए, सेपल है। तो सर ने तो पहले बताया था कि यदि ये ए म्यूटेंट है तो क्या बनेगा, कार्पल ही तो बनेगा भाई। ए को म्यूटेंट कर दिया तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्पल का। देखते हैं अब इसका फिनोटाइप निकालते हैं। देखो यहाँ पर स्टेमेन नहीं बनेगा, कार्पल, ठीक है। और ये देखो ए प्लस बी, तो ए तो म्यूटेंट है ना, तो अभी बी डोमिनेंट हो जाएगी। बी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेमेन का, तो स्टेमेन हो गया। और बी प्लस से तो स्टेमेन और सी कार्पल, तो क्या हो गया आपका फिनोटाइप, सी ए एस टी एस टी ए, कार्पल स्टेमेन स्टेमेन और सी ए। अब आता है बी क्लास के म्यूटेंट कर देंगे, तो बी क्लास को म्यूटेंट कर देंगे ऐसे तो सेपल ही बनेगा, ठीक है। अब सेपल बन गया, यहाँ पे बन गया। अब ए यहाँ पे म्यूटेंट है, सॉरी ब्यू म्यूटेंट है, तो ए डोमिनेंट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सेपल बनेगा। यहाँ पे ब्यू म्यूटेंट है तो सी डोमिनेंट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्पल बनेगा और सी कार्पल। तो अपन का फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अब आता है सी क्लास को म्यूटेंट करते हैं, सी क्लास में क्या होगा, ए सेपल बनेगा, ए प्लस बी पेटल बनेगा, इसमें क्या हो गया, सी डोमिनेंट है, सॉरी सी म्यूटेंट है और बी डोमिनेंट है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, बताओ क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, पेटल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सी म्यूटेंट है तो उसका एंटागोनिस्ट सेपल, तो सेपल पेटल पेटल सेपल। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया अच्छे से। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा पहले तो कमेंट कर दीजिए। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है, इतना अच्छे से हिंदी मीडियम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो दोस्तों को तो शेयर कर दिया होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब आपके लिए है आज का सुविचार, हवाओं में ताज सा महल नहीं बनता। क्या दोस्तों, हवाओं में ताज सा महल नहीं बनता, रोने से टूटा हुआ सपना नहीं बनता, हौसला रखो दुनिया जीतने का। हाँ जी दोस्तों, हौसला रखो दुनिया जीतने का, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे ही अपन कंटेंट के, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।